तो गाइस पीछे मेरे खड़ी है रेनो काइगर 2024 RXZ मैनुअल ट्रांसमिशन में, और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलो बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो जो इसकी ओवरऑल हाइट है वो है 1605 mm की, और जो आपकी चौड़ाई है इसकी विड्थ है दैट इज 1750 mm की। तो इसकी वजह से इतना मैसिव स्टैंस मिलता है इसको रोड पे। आप देखो यार प्रेजेंस कितना बोल्ड स्टैंस मिलता है, और सबसे पहले जो नज़र जाती है इसके फ्रंट प्रोफाइल में वो जाती है इसके बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लोगो पे। डायमंड लोगो है, बहुत ही प्यारा लगता है। और बात करें इसकी ग्रिल की तो ट्विन स्लिट डिज़ाइन है। थोड़ा थोड़ा आपको ये रेनो की जो ट्राइबर है उसकी फील देगा, जिसमें ट्राई स्लिट आती है इसमें ट्विन स्लिट है, बट ओवरऑल काइंड ऑफ लुक थोड़ी सी सिमिलर है। और यही बात करते हैं इसकी हेडलैम्प की। तो ये रेनो के स्पेशल ट्राई LED ऑक्टा प्योर विजन हेडलैम्प्स हैं, और प्योर LED हैं। तो जब ये जलते हैं तो पूरा कहते हैं ना समा साहिब बांध देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लाइट देते हैं। और इधर जो है ये DRL दिए गए हैं। बाकी बात करें स्किड प्लेट की, तो स्किड प्लेट जो है पूरी ब्लैक आउट है। यही अगर हम RXZ टर्बो ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये मिलेगी सिल्वर सेटिन फिनिश में। बाकी मैंने भी इसके हेडलैम्प ऑन कर दिए, तो ये देखो इस लुक की मैं बात कर रहा था, लग रहा है ना बेहतरीन है। तो चलो अब आ गए इसके साइड प्रोफाइल पे। तो ओवरऑल जो इसकी लेंथ है वो है 3991 mm की। तो सब 4 meter SUV है ये। और यही बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो दैट इज़ 205 mm की। देख रहे हो कितनी मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, और ये जो है ना इसको एक परफेक्ट व्हीकल बना रही है आपको ऑफ रोडिंग करने। और रही बात व्हील बेस की, तो व्हील बेस है इसका 2500 mm का, 2500 mm का व्हील बेस दिया गया। तो बिल्कुल जो काइगर जो है वो ट्राइबर के ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो वो क्योंकि 7 seater थी तो उसको व्हील बेस बढ़ा दिया गया, तो उसमें दिया गया था 2636, इसको कर दिया गया थोड़ा सा कम 2500 mm। और बूट स्पेस जो है इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया, और यही बात क्योंकि टर्बो ऑप्शन के साथ भी आती है, तो इंजन बे एरिया भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी लगा है, तो इसी वजह से इसका व्हील बेस जो है वो है 2500 mm। बट बात करें अगर इनसाइड स्पेस की तो वो आपको भर के मिलेगी, वो अभी मैं आपको दिखाऊँ। अब चेक करते हैं इसका टायर प्रोफाइल। तो इसका टायर प्रोफाइल है वो है 195/16R16। तो 16 inch का व्हील है, और साथ में ये अलॉय दिया गया जो कि डायमंड कट शेप में है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिल्कुल इसमें देख रहे हो ग्लोसी ब्लैक के एसेंट्स हैं, और इधर सिल्वर और इधर क्रोम में जो है रेनो का लोगो, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। और ये ब्लैक कलर में अगर ये गाड़ी होगी तो सही बता रहा हूँ समा साहिब बांध देगी। और SUV-ish करेक्टर देने के लिए यहाँ पर बहुत बोल्ड सी बड़ी सी क्लैडिंग भी दी। और आप ये चीज़ चेक करो यार, इसकी आर्टिकुलेशन देखो, इतना सारा स्पेस दिया गया, इस वजह से इसकी व्हील आर्टिकुलेशन जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है, जस्ट लाइक ट्राइबर। इसकी भी जो आर्टिकुलेशन है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली। इधर जो है वो RXZ की थोड़ी सी बैजिंग करी गई जस्ट टू डिपिक्ट कौन सा मॉडल है। बाकी इधर जो है पियानो ब्लैक में थोड़ा सा स्पोर्टी सा डिज़ाइन भी दिया गया है। अब बात करते हैं ORVM की, तो ORVM जो पूरे ग्लॉसी ब्लैक में है थोड़ी सी स्पोर्टी लुक देने के लिए, और बाकी इंडिकेटर्स भी इसी में ही एम्बॉस्ड है। और जो ORVM है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है और फोल्डेबल भी है विद वेलकम फंक्शन। तो जैसे ही आप गाड़ी के पास आके उसे ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और जैसे ही आप गाड़ी को बंद करेंगे ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगा। रही बात डोर हैंडल्स की, तो ये भी जस्ट लाइक ORVM, ये भी बिल्कुल पियानो ब्लैक फिनिश में ही यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी रूफ रेल की, तो रूफ रेल जो है इसकी बिल्कुल प्रैक्टिकल रूफ रेल है, सिल्वर सेटिन फिनिश में है, और जो कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है 50 kg की। और बाकी ए पिलर बी पिलर दोनों ही ब्लैक्ड आउट। वो पीछे देख रहे हैं तो बिल्कुल शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है, स्पोर्टी लुक को जो बिल्कुल जो है मेंटेन किया गया है। फ्यूल ओपनिंग कैप जो है वो राइट साइड पे दिया गया जस्ट लाइक एनी अदर रेनो कार, और इसकी फ्यूल की कैपेसिटी है, पेट्रोल की कैपेसिटी है 40 liter। तो चलो अब आ गए इसके रियर प्रोफाइल पे। तो रियर प्रोफाइल पे आते ही ना जो सबसे पहले नज़र जाती है वो जाती है इसकी सी शेप्ड LED टेल लाइट्स पे, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में बनाई गई। और जब ये जलती है यार, ये भी जस्ट लाइक फ्रंट लाइट, जब ये जलती है ना LED बहुत ही प्यारी लगती है। बाकी इसी में ही इम्पोज किए गए हैं इसकी ब्रेक लाइट एंड रिवर्स लाइट एंड इंडिकेटर्स, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है यार। मतलब ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो काइगर जो है ना यार बैक से तो यार बिल्कुल देखने पर समा सा ही बांध देती है। और बाकी इधर जो है वाइपर, बैक वाइपर, और ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं बिल्कुल डीफॉगर भी दिया गया है। और इधर हमारा हो गया स्टॉप लाइट, और ये हमारी वॉशिंग की यूनिट होगी। इधर जो है छोटा सा रेनॉल्ट का लोगो है, और बीच में अभी देख रहे हैं छोटा सा जो लगा हुआ है, बिल्कुल ये है रिवर्स कैमरा और पार्किंग सेंसर, बिल्कुल 1, 2, 3 3-point रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। और बाकी जो नीचे जो स्किड प्लेट दी गई है वो दी गई है सिल्वर सेटिन फिनिश में, फ्रंट पे जो है वो ब्लैक आउट है, और पीछे जो दी गई है वो सिल्वर सेटिन फिनिश में दी गई है। और यहाँ पर जो एक स्पोर्टी सा कार स्पॉइलर भी दिया गया है, और उसके ऊपर देख रहे हो ये मैटेड सा
एक डिज़ाइन भी बना हुआ है, एक स्पोर्टी सी लुक मेंटेन करने के लिए, अच्छा लग रहा है यार। और इधर जो आप ये देख रहे हैं ये है नाइट रिफ्लेक्टर्स, दोनों तरफ दिए गए हैं, इधर भी इसको भी देखो कितना बिल्कुल एक अच्छा सा डिज़ाइन दिया गया, ताकि पूरी जो इसकी लुक है ना बैक की, उसमें एम्बॉस सा हो। चलो अब चेक करते हैं इसकी बूट को। तो यहाँ पर इसका बटन दिया गया बूट ओपन करने के लिए। तो बूट अच्छा खासा है, अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, 405 लीटर की ओवरऑल स्टोरेज स्पेस है। तो यही स्पेस जो है ट्राइबर में जो है थर्ड रो की तरह यूज़ करी गई, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है, तो यहाँ पर हमें इसको अच्छा खासा एक बूट स्पेस मिल गया है। बाकी लाइट वगैरह जो है यहाँ पर कोई भी नहीं दी गई है। तो बात करते हैं स्टेपनी की एक्स्ट्रा टायर की, तो जी हाँ बिल्कुल दिया गया है, और रेड कलर है, तो सर्टेनली ये लो प्रोफाइल टायर है। टायर की डायमेंशन है 165/80 R14, तो 14 इंच का यहाँ टायर दिया गया है इसको। यार एटलीस्ट मुझे लगता है 15 इंच का दे देना चाहिए था। और ये अच्छी बात है कि पार्सल ट्रे भी बाय डिफॉल्ट कंपनी ही लगा के दे रही है, नहीं तो यूजली यार आपको आफ्टर मार्केट या एज एसेसरी लेना पड़ता। तो गाड़ी में अंदर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी की उसकी जो है कुछ इस तरह से है। तो बेसिकली फिजिकल की ना हो के एक की कार्ड है, जस्ट लाइक जैसे हमारे ट्राइबर की टॉप मॉडल RXZ में भी आता है। तो आपको एक फिजिकल की कोई भी नहीं है, जैसे आप गाड़ी के पास जाएंगे गाड़ी अपने आप ही अनलॉक हो जाएगी, देख रहे हो अपने आप हो गई अनलॉक, ORVM हो गया ओपन, और जैसे ही आप गाड़ी से दूर जाते हैं गाड़ी हो जाती है ऑटोमेटिकली लॉक। तो देखना अभी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, है ना मज़ेदार। चलो अब चलता है गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका अप्रोच एंगल, गाड़ी का ओपनिंग एंगल देखो यार, जस्ट लाइक ट्राइबर मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, इसका भी ओपनिंग एंगल जो है बहुत ही वाइड है, मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, 80 to 90 degree ऑलमोस्ट है। तो देख रहे हो कितना मतलब वाइड एंगल से ओपन हुए, तो आप इजीली गाड़ी के अंदर जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। तो बात करते हैं थोड़े से इंटीरियर और सीट के फैब्रिक की। तो ये टॉप मॉडल RXZ में जो आपको सीट में इंटीरियर्स मिलने वाला है वो मिलने वाला है पूरा लेदराइट में, मतलब सेमी लेदराइट है, इधर लेदराइट है, ये जो आप ब्लैक पार्ट देख रहे हैं और इधर थोड़ा सा जो डार्क ऑरेंजिश टैन शेड सी देख रहे हैं, ये जो है ये फैब्रिक में है, तो इसे कहते हैं सेमी लेदराइट फिनिश में, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। और साथ में ये लीवर दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सीट की हाइट को भी मैन्युअली एडजस्ट किया जा सकता है। ओवरऑल हार्ड प्लास्टिक है बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, मतलब जो ट्राइबर में जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है उससे मच बेटर लग रहा है। और ये देख रहे हो यार कितना बढ़िया है यार इसकी नोब की शेप दी गई है, ट्राइबर में मैंने हमेशा कंप्लेंट करी है उसमें बहुत ही फ्लिम्सी सा लगता था, बट इसमें देखो कितना अच्छा और प्रीमियम लग रहा है। ट्राइबर में भी यार रेनो वालों इसी को ले आओ यार, सेम गाड़ी है ऑलमोस्ट, सेम प्लेटफॉर्म पे है, तो इसको आप इजीली उसमें भी ला सकते हो। बाकी जो हैंडल लीवर जो है ये जो है पूरा ग्लॉसी ब्लैक में दिया हुआ है, इधर देखो इतना बड़ा ग्रैब हैंडल है, पूरी मतलब एक SUV फील देने के लिए ना, पूरी SUV लुक देने के लिए पूरा बहुत बड़ा ग्रैब हैंडल दिया गया है। इधर जो है सॉफ्ट टच, मतलब यहाँ अभी देख रहे हो मतलब है हार्ड टच बट लुक वाइज ऐसा है कि मतलब मैट एक ग्रेनी सा बनाया गया, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। और इधर पूरे का पूरा जो है सॉफ्ट टच दिया गया है। बाकी इधर जो है विंडोज को अप डाउन करने के लिए ये फ्रंट के, ये बैक के, इधर रियर की अनलॉक करने के लिए विंडोज को, और बाकी ये जो बटन देख रहे हैं अब इससे आप ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए और इधर इलेक्ट्रिकली फोल्ड करने के लिए। ड्राइवर साइड जो है वो विंडो ऑटो अप डाउन भी है। बाकी डोर में यार यहाँ पर बॉटल होल्डर की जो स्पेस है काफ़ी अच्छी खासी है, 2 लीटर की बॉटल एक यहाँ आ सकती है और 1 लीटर की यहाँ आ सकती है, मतलब रेनो जो है ना इस मामले में स्पेस मैनेजमेंट के मामले में तो यार इनका कोई जवाब ही नहीं है। तो बात करते हैं अंडर थाई सपोर्ट की। अंडर थाई सपोर्ट यार ठीक ठाक है, मतलब देख रहे हो ऑलमोस्ट मेरे नी एरिया तक मेरी जो लेग जो है वो कवर हो रही है, तो बिल्कुल ठीक ठाक सा है। सीट जो है वो थोड़ी सी नैरो है, मतलब मे बी ये बाई डिज़ाइन और स्पोर्टी डिज़ाइन देने के लिए, मतलब एज सच कोई अनकम्फर्टेबल नहीं है, बट जस्ट जो मुझे लग रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। हेडरूम भी जो है देखो डिसेंट है, मतलब ठीक ठाक है, मेरी हाइट है 5'6", तो मतलब ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा एरिया है। तो अगर आपकी हाइट जो है 5'9", 5'10", 5'11" है तो भी कोई आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। तो चलो अब बात करते हैं स्टेयरिंग की। तो स्टेयरिंग की यार ओवरऑल फील जो है ना यार बहुत ही प्रीमियम है, और इसको पूरा लेदर रैप किया गया, मतलब बिल्कुल देख रहे हो मस्त सा यार, आवाज़ देखो यार मतलब मज़ा सा आ रहा है, बहुत ही मतलब प्रीमियम लुक दे रहा है। और इसमें सारे कंट्रोल जो है वो स्टेयरिंग में ही दिए गए हैं। इधर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए प्लस टेलीफोनी कंट्रोल दिया गया है। इधर जो है ड्राइवर साइड डिस्प्ले जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो, प्लस यहाँ से क्रूज कंट्रोल को सेट करने के लिए दिया गया है। इधर छोटा सा लोगो है, और ये पूरा जो थोड़ा सा इधर जो दिया गया है वो पियानो ब्लैक की थोड़ी सी फिनिशिंग दी गई है, थोड़ी सी और प्रीमियमनेस को ऐड करने के लिए। मतलब ओवरऑल अच्छा लग रहा है यार, ट्राइबर का जो लगता है स्टेयरिंग बहुत ब्लैंड सा लगता है, बट दिस इज लुकिंग रियली प्रीमियम।
बाकी इधर से जो है आप फ्रंट वाइपर और रियर वाइपर को कंट्रोल करेंगे, और इधर से जो है हमारे हेडलैम्प को कंट्रोल करेंगे। ऑटो वाइपर और ऑटो हेडलैम्प जो है वो नहीं है। चलो स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट भी चेक कर लेते हैं। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और हॉर्न तो डुअल टोन में हॉर्न दिया गया है, ये भी अच्छी बात है, मतलब आपको बाहर से आफ्टर मार्केट हॉर्न लगाने की भी जरूरत इसमें नहीं है। चलो एक काम करते हैं, गाड़ियों करते हैं पावर ऑन, मतलब जस्ट बैटरी की पावर देते हैं। अरे देख रहे हो कैसे वेलकम कर रही है गाड़ी यार, कितना मस्त और प्रीमियम दे रहा है। तो जो डिस्प्ले जो इसका यार वो है 7 इंच फुली डिजिटल डिस्प्ले है, और जो रेनो ने इसका नाम दिया है वो इसका नाम दिया है मल्टी स्क्रीन ड्राइव मोड क्लस्टर। तो मल्टी स्क्रीन इस वजह से क्योंकि इसकी स्क्रीन जो इसके मोड देख रहे हो, थीम देख रहे हो, इसको आप चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन के कौन से ड्राइविंग मोड में आप इसे चला रहे हैं। तो जी बिल्कुल, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी ये सपोर्ट करती है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एक छोटा सा रोटेटरी नोब दिया गया है, तो अभी आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नॉर्मल, और यही अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड पर घुमाता हूँ तो देखना ये स्किन चेंज कर देगी। देख रहे हो अब रेड थीम हो गई पूरी और ऊपर स्पोर्ट आ गया, तो ये स्पोर्ट्स मोड में आ गया गाड़ी, ताकि जो आपकी इसकी टॉर्क की डिलीवरी जो है अर्ली हो जाएगी और थ्रोटल रिस्पांस जो है बेटर हो जाएगा। तो गाड़ी जो है आपको माउंटेन्स पर ड्राइव कर रहे हैं या कहीं पर भी जहाँ पर ज़्यादा पावर की जरूरत है, अब इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं एक बार दोबारा घुमाता हूँ तो ये स्विच हो जाएगा नॉर्मल में। एक बार और घुमाया, देख रहे हो ये आ गया अब इको में। अगर आपको गाड़ी से अच्छी माइलेज निकालनी है तो आप इसको इको मोड में भी स्विच कर सकते हैं। बाकी जो तमाम इन्फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड जो होती है वो पूरी की पूरी इसमें डिस्प्ले हो रही है। और बाकी यही अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये देख रहे हो आप इसकी लाइट्स को डिम करनी है, वो सब करना है, आप इसे कर सकते हैं। सर्विस इंटरवल हो गया, TPMS भी इसमें दिया गया, तो अपना टायर का प्रेशर सेट करें, और जब भी आपका टायर प्रेशर जो कम होगा ये आपको वॉर्न करने लग जाएगा। तो ये अच्छी बात है, आजकल TPMS जो है बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फीचर कर दिया गया। बाकी RXZ में एक बहुत बढ़िया फीचर दिखाता हूँ, आप देख रहे हो नीचे लिखा हुआ टेक अ ब्रेक। तो अगर आप इसे टेक अ ब्रेक को ऑन कर देंगे तो जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप लंबे समय तक ड्राइव करते जा रहे हैं, तो ये आपको अलर्ट करेगी कि अब नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, आप थोड़ा रेस्ट करो ताकि गाड़ी चलाने में आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको नींद ना आ जाए, यू नीड टू टेक सम रेस्ट। चलो यहाँ चेक करते हैं ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर है या नहीं है। नहीं, वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड नहीं है, बट ये टिकट होल्डर इधर दिया गया है, और को ड्राइवर साइड बिल्कुल वैनिटी मिरर है, बट कोई भी लाइट इधर नहीं दी गई है। और इधर यही बात करते हैं IRVM की, देख रहे हो कितना प्रीमियम लग रहा है। सबसे पहले तो यार इसकी शेप देखो और इसका साइज देखो, काफ़ी बड़ा IRVM दिया गया है, और सबसे बड़ी बात ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है, कोई भी मैनुअल डे नाइट आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो है कैबिन लाइट बिल्कुल वाइट LED में दी गई है, और यहाँ हमारे हो गए ग्रैब हैंडल। यहाँ पर हो गए हमारे AC के वेंट, जिसको इन्होंने बाउंड्री पे सिल्वर सेटिन, ग्लॉसी सिल्वर सेटिन में दिया गया, और अंदर जो पूरी मैट फिनिश, और यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम का एसेंट है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। बाकी हार्ड प्लास्टिक है, बट ओवरऑल क्वालिटी जो है इसकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही अच्छी दी गई है। इधर जो है फिनिशिंग जो है पिलर की थोड़ा सा ग्रे शेड में करी गई है। तो चलो अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। एक बार मैं दोबारा से ऑन कर दूँ इसे, तो इसका यार जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है टॉप मॉडल RXZ में, ये दिया गया 8 इंचेस टच स्क्रीन डिस्प्ले है, जो कि सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो ऑन ऐप और एप्पल कारप्ले, दोनों को ही सपोर्ट करता है वायरलेसली, और वायरलेसली सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो इसमें अगला फीचर दिया गया है, वायरलेस चार्जर भी दिया गया। अब यार आराम से गाड़ी चला रहे हैं, अपने फ़ोन को रखो यहाँ पर, ऑटोमेटिकली आपके वो वायरलेस एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो से हो जाएगा कनेक्ट, और साथ के साथ ही वो चार्ज भी होता रहेगा, है ना, बढ़िया बात। तो इधर जो है यहाँ से इसकी आप तमाम सेटिंग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, स्मार्टफोन से आपको कनेक्ट करना है। अब बात करते हैं म्यूजिक और साउंड की। तो RXZ में जो है वो आर्कमिस का 3D साउंड सिस्टम जो है लगा हुआ है, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर के साथ आता है, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। बाकी थोड़ा सा आते हैं नीचे, तो यहाँ पर AC वेंट है, यहाँ पर कोई भी सिल्वर फिनिश नहीं दी गई, यहाँ पर टोटली ब्लैक आउट है, बट बीच में थोड़ा सा क्रोम एसेंट दिया गया है। ओवरऑल जो है इस पूरी ब्लैक थीम के साथ जो है वो जेल हो रहा है। बाकी यहाँ पर जो है वो कंट्रोल के बटन है, इधर जो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक, हैजर्ड, और इधर रियर जो है डिफॉगर को ऑन करने के लिए। बाकी यहाँ जो है थोड़ी थोड़ी आपको याद ड्राइवर जैसी आ रही होगी, वहाँ पर भी ऐसी नॉब दी गई है, बट वहाँ पर मैनुअल है, यहाँ पर ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ है। देख रहे हो फैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए AC का, और इधर आपको एयर कहाँ पर चाहिए। बाकी AC जो है इसमें वो ऑटोमेटिक AC आता है, ये भी बहुत ही बढ़िया फीचर है, थम्स अप फॉर दैट।
बाकी थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस दी गई है, मोबाइल वगैरह या कुछ भी छोटा मोटा सामान या की, जैसे मैंने अभी की रखी हुई है की रखने के लिए। और इधर जो है पुश स्टार्ट बटन, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो यहाँ पर ये फिजिकल की लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ये स्टार्ट स्टॉप बटन से ही ऑन ऑफ हो जाता है। और इधर जो है चार्जिंग के लिए एक USB पोर्ट दी गई है। ये बटन जो देख रहे हैं दिस इज फॉर इनेबलिंग क्रूज कंट्रोल, आप क्रूज कंट्रोल को यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से उसको कैंसिल कर सकते हैं और इधर स्पीड को अप या डाउन कर सकते हैं। बाकी इधर आ गया हमारा वायरलेस चार्जर, और वायरलेस चार्जर को ऑन एंड ऑफ करने के लिए भी ये बटन दिया गया है। तो आप देख रहे हो अगर ये गाड़ी हमारी रहती है ऑन तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा हो गया मैनुअल गियर लीवर, क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन में है तो ये 5-speed जो है हमारा गियर लीवर है। बाकी गियर लीवर के चारों तरफ जो है क्रोम की थोड़ी सी फिनिशिंग दी गई है, थोड़ी सी प्रीमियमनेस बढ़ाने के लिए। इधर ये जो बटन देख रहे हैं ये एम्बिएंट लाइट को जो है ऑन एंड ऑफ करने के लिए, तो जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो लाइट्स जल गई हैं, तो यही जो है इधर भी को ड्राइवर साइड भी ये इससे कंट्रोल हो जाती है। अब चलते हैं थोड़ा सा और नीचे, तो इधर ये पूरा कंसोल जो आप देख रहे हैं पियानो ब्लैक में दिया गया है, यार कितना ही बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट जो आपकी ब्रेक भी जो है हैंड ब्रेक जो भी है कितनी मतलब बढ़िया फिनिशिंग में दी गई है, मतलब सही है यार। ट्राइबर और काइगर इंटीरियर में आने के बाद जमीन आसमान का फर्क है यार, बहुत ही प्रीमियम एंड अप मार्केट फील है काइगर में बैठने के बाद। पूरे का पूरा जो है ये पियानो ब्लैक में ही दिया गया है। बाकी इधर जो है मेरे पास आर्म रेस्ट है जिसमें अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस भी है, और इसको जो मैं इस तरह से हम ओपन भी कर सकते हैं, जो कि ये जो टॉप मॉडल में जो है ये स्टोरेज जो है ये कूल्ड है, तो जैसे ही आप एसी ऑन करेंगे आर्मरेस्ट आपका रहेगा बंद, इसको आप कर देंगे बंद तो जो अंदर जो स्टोरेज जो है वो बिल्कुल कूल्ड रहेगी, कोई भी आप सामान रखेंगे वो ठंडा रहेगा। बाकी यहाँ पर जो एक स्टोरेज दी गई है जस्ट लाइक ट्राइबर, बिल्कुल सिमिलर स्टोरेज है, यहाँ पर लगभग 2 लीटर की बॉटल आराम से आ जाती है। इसके नीचे जो है हमारा एक ग्लव बॉक्स, अच्छा डीप है यार, बहुत सारा सामान यहाँ भी आ जाएगा। हेडरेस्ट जो है ड्राइवर को ड्राइवर इनफैक्ट रियर रो में भी ये डिटैचेबल दिए गए हैं, तो इसको आप अगर आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी की। यार सेफ्टी के मामले में भी ना रेनो इतना सीरियस हो चुकी है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बेस मॉडल जितने भी तमाम सेफ्टी फीचर हैं ये बेस मॉडल से इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब टॉप मॉडल में जाके और बेस मॉडल में अगर आप कंपेयर करते हैं तो सेफ्टी के मामले में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलता है। तो अब जो है ना फीचर आप गिनते जाओ कि हमारे इस काइगर के टॉप मॉडल में क्या क्या फीचर हमें मिल रहे हैं, तो इसमें जो हमें मिल रहे हैं सीट बेल्ट प्री टेंशनर है, लोड लिमिटर, सीट बेल्ट फ्रंट रिमाइंडर और रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर, ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS हिल स्टार्ट असिस्ट, पार्किंग सेंसर, चाइल्ड लॉक, रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ABS, EBD, स्पीड अलर्ट वार्निंग, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग लॉक और टेक अ ब्रेक रिमाइंडर। तो मतलब समझ रहे हो गिनती खत्म हो जाएगी गिनते गिनते, लेकिन इनके सेफ्टी फीचर जो है खत्म नहीं होंगे। और ग्लोबल NCAP में जस्ट लाइक ट्राइबर, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे है तो इसकी रेटिंग भी जो है वो 4 स्टार है। चलो अब सीट को मैं कर देता हूँ अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट और हम चलते हैं पिछली रो में। तो जस्ट लाइक फ्रंट रो रियर डोर भी जो है ना इसका देखो ओपनिंग एंगल देखो यार ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी स्पेस देखो यार, फ्रंट वाली सीट जो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, को पैसेंजर को ड्राइवर वाली जो थोड़ी सी पीछे है, बट स्टिल अब स्पेस देखो कितना मैसिव अमाउंट ऑफ स्पेस, और यही मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। देख रहे हो लेग रूम यार, पूरा पंजा मैंने खोला हुआ है उसके बाद भी, मतलब जैसे मैंने ट्राइबर में आपको दिखाई थी अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके, सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस है, मतलब अच्छी खासी स्पेस है यार, मज़ेदार। बाकी जो है लेग रूम जो है वो भी डिसेंट है, नीज से मेरा थोड़ा सा पीछे तक जो है ऑलमोस्ट इसने कवर कर लिया, तो मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ आराम से, मतलब टांगे खोल के आराम से रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। इधर जो है थोड़े से सामान रखने की जगह दी गई है, इस साइड भी है। हेडरूम जो है वो कुछ इस तरह से है, अच्छा खासा हेडरूम है यार। बाकी डोर ट्रिम हार्ड प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी का। लीवर जो है बिल्कुल आगे की तरह ही बिल्कुल एक ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। और ये हमारा हो गया अप डाउन करने के लिए लीवर विंडो को, ये हो गया विंडोज़ को ऑटोमेटिकली अप डाउन करने के लिए। इधर थोड़ा सा कॉइन वॉइन वगैरह आप रख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो है ग्लॉसी ब्लैक का एक फिनिश दिया गया, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। बाकी इधर जो है स्टोरेज वही 2 लीटर और 1 लीटर की बोतल आप इजीली रख सकते हैं।
और बाकी यार मिडल रो हम जो है वो ना के बराबर है, मतलब मिडल में भी जो बैठा हुआ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इधर जो है वो रियर एसी वेंट दी गए और यहाँ पर इसकी फैन की एयर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो ना नॉब दी गई है। बाकी इधर जो है वही एलईडी लैंप दिया गया है पीछे पैसेंजर के लिए भी अगर वो कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो। रही बात सीट की, सीट जो है बिल्कुल आगे की तरह लेदराइट सेमी लेदराइट में दी गई है और इधर जो है वो सेंट्रल आर्म रेस्ट भी दिया गया है, मतलब यहाँ पर दो कप होल्डर्स है और यहाँ पर थोड़ी सी जगह पर अपना मोबाइल वगैरह छोटा मोटा सामान जो है यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलो जी आ गए हम इंजन बे एरिया में। तो इंजन जो है इसका बिल्कुल वही ट्राइबर वाला 1 लीटर इंजन है, 999 cc का 3 सिलेंडर इंजन है। बाकी यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी गेम है क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शंस में आता है, आप इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन में ले सकते हैं, AMT में ले सकते हैं, टर्बो चार्ज में ले सकते हैं और एक्सट्रॉनिक CVT में भी ले सकते हैं। तो सब में जो है पावर फिगर जो है वो डिफरेंट है, उसके बारे में मैं आपको एक बार अंदर बैठ के बताता हूँ। तो चलो अब बात करते हैं पावर फिगर्स की। तो यार अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट चूज कर रहे हैं इंजन का। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हैं तो उसको आपको जो पावर मिलने वाली है वो मिलने वाली है 72 PS और 96 Nm ऑफ टॉर्क की, जस्ट लाइक जो हमारा ट्राइबर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देता है। यही बात करते हैं आप AMT चूज करते हैं तो जस्ट लाइक मैनुअल ट्रांसमिशन इट विल प्रोड्यूस 72 PS एंड 96 Nm ऑफ टॉर्क। और अगर यही आप चले जाते हैं टर्बो की ओर तो यहाँ पर जो है कहानी बदल जाती है। यहाँ पर जो आपको मिलती है 100 PS की पावर और 116 Nm ऑफ टॉर्क। यही आप एक्सट्रॉनिक CVT की ओर चले जाते हैं ऑप्शन की ओर तो यही आपको पावर फिगर मिलती है 100 PS और 152 Nm ऑफ टॉर्क। इसी तरह से माइलेज भी जो है वो वेरी कर रही है अक्रॉस के आपने कौन सा इंजन वेरियंट जो है वो चूज किया। तो माइलेज जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन में जो आपको मिलने वाली है ARI कंपनी क्लेम्ड दैट इज 20.5, मोटा मोटा हाईवे पे जो है आपका 16 से 18 के बीच में इजीली वो दे देगी। और यही बात करें हम AMT की तो AMT में आपको मिलेगी 19.03, मोटा मोटा 19 मान के चलो, ऑन हाईवे 15-16 आपको ऐसे मिल जाएगी। और यही हम चले जाते हैं CVT की ओर तो थोड़े से माइलेज फर्दर ड्रॉप हो जाती है, जो कंपनी क्लेम्ड आपको माइलेज मिलती है वो मिलती है 18.24 की, जो कि उन्हें हाईवे आपको 15 के आसपास इजीली दे देनी चाहिए। तो चलो गाइस अब बात करते हैं प्राइसिंग की। जो प्राइसिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी मॉडल की बताने वाला हूँ जिसका हमने रिव्यू किया है RXZ मैनुअल ट्रांसमिशन की। तो ये एक्स शोरूम प्राइस जो है इसका है वो 8,80,000, जो मोटा मोटा ऑन रोड पड़ रही है 10,40,000 की। और इस टाइम पे मैं हूँ नोएडा एक्टिव मोटर्स पे रेनॉल्ट के और यहाँ पर ये पड़ रही है 10,40,000 में। और इस 10,40,000 में कुछ ऑप्शनल कंपोनेंट्स भी इंक्लूडेड है जिसके बारे में मैं आपको बताया था, एक सेकंड मेरे को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो इंक्लूडेड है, एक तो 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी इंक्लूडेड है, रेनॉल्ट केयर इंक्लूडेड है और बेसिक किट जो है इसमें इंक्लूड करी गई है। तो अगर आप इसको हटवाना चाहते हैं तो आप डीलरशिप से बात कर सकते हैं और ये कॉम्पोनेंट हट भी जाएंगे। और क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है आप जो है इनसे डिस्काउंट की बात भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया जाए। रही बात प्राइसिंग की जो है अदर ट्रांसमिशन है जैसे AMT हो गया हमारा, टर्बो हो गया या एक्सट्रॉनिक CVT हो गया, तो उनकी पूरी प्राइसिंग डिटेल मैं इधर स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो गाइज आई होप आपको आज का रिव्यू जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा तो आपको वीडियो को देना है थम्स अप, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और शेयर कर देना इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से। तो चलो अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन इट्स योर फ्रेंड मुंडा टॉप नॉच साइनिंग ऑफ। हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी फॉर ट्रैवलिंग गाइज। जय हिंद जय भारत।